नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा में शिक्षा विभाग का नया कारनामा देखने को मिला। नवीन शिक्षा संवर्ग अंशदायी पेंशन योजना में अभी तक कई माहों की राशि शिक्षकों के खाते में जमा नहीं हुई, जबकि हर माह शिक्षकों के वेतन से कटौती की गई। कटौती की गई राशि कहाँ गुम हो गई, इसकी जानकारी विभाग नहीं दे पा रहा है। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले आज दर्जन भर शिक्षक कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और गुम हुई राशि को वापस दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एनपीएस कटौती में हुई मिसिंग राशि को एनपीएस खाते में हस्तांतरित किया जाए, उच्च प्रभार की वरिष्ठता सूची के संधारण वरिष्ठता के क्रमानुसार जारी करते हुए शीघ्र उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया शुरू की जाए, साथ ही क्रमोन्नति के आदेश जारी करने की मांग भी की है। आइए सुनते हैं प्रदर्शनकारियों को उनका क्या कुछ कहना है। आज हम लोग रीवा संभाग में कार्यालय में कमिश्नर साहब के यहाँ ज्ञापन, हमारे दल बल के साथ सभी संगठन के साथ हम लोग ज्ञापन दिए। हमारी समस्या ये है कि जो शिक्षा विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, मतलब एनपीएस और शिक्षा विभाग सम्मेलन, कई समस्याएं हैं, वो हम लोगों को समय समय पर न मिलती है। और एनपीएस जैसे कटौती 2004 से पेंशन बंद हुई तो 11 तक तो किसी कर्मचारी की कटौती मतलब नहीं जमा हुई है, और अभी वर्तमान में बीच बीच में मतलब मिसिंग का माने ज़्यादा है हर कर्मचारी का, चाहे कोई छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो शिक्षा विभाग का। और रही बात क्रमोन्नत का, हर संभाग का क्रमोन्नत हो गया है, लेकिन हमारे रीवा संभाग का अभी भी लटका हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर महोदय जी से अब हम लोग व्यथा अपन सुनाने आए हैं कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण हो। क्या आश्वासन दिए कमिश्नर साहब ने आप लोगों को? आज तो समस्या आश्वासन तो ये दिए हैं साहब कि हम आज वीसी में जा रहे हैं, लेकिन इसका समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हम लोग करेंगे, बात करेंगे डीओ साहब से, ऐसे हम लोगों का आश्वासन दिए। तब से समस्या बनी है? समस्या तो ये काफ़ी दिनों से बनी, हर संभाग का हो गया है, लेकिन अपने रीवा भर का ये लटका हुआ है और हर जगह खो गया। ये तो डीओ साहब के स्तर का काम है, लेकिन कोई न कोई अपना वो बता देते हैं कि अब होगा, लेकिन कोई निदान नहीं हो रहा। हम लोग कोई सुनने वाला है ही नहीं है, यहाँ से गड़बड़ है वहाँ से गड़बड़ है, यही बताते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बबलू प्रजापति, माध्यमिक शिक्षक। लोग न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। परंतु हम लोग अभी 4 वर्षों से पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे। अभी तत्कालिक कर्मचारी की समस्याओं को लेकर के भी हम लोगों ने सरकार से मांग करना चालू कर दिया है। रीवा संभाग अंतर्गत आज हमारे संभागीय अध्यक्ष बबलू प्रजापति जी, जिलाध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला जी, जयप्रकाश मिश्रा जी, लवकुश सतनामी जी, पूरे संजय तिवारी जी, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। संभाग जिला सभी जिलों के अंतर्गत हमारे सतना के भी पदाधिकारी हैं, रीवा के भी पदाधिकारी, सब लोग एकत्रित हुए हैं। माननीय कमिश्नर महोदय से आग्रह करने आए हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में क्रमोन्नति का प्रावधान हर विभागों में चल रहा है, पर शिक्षा विभाग में अक्टूबर में आदेश जारी हुआ, परंतु आज तक फॉलो नहीं हुआ। तो न 12 साल की सेवा, 24 साल की सेवा, 30 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी, 20,000 लगभग संभाग के अंतर्गत कर्मचारी हैं, वो आज भी गली गली परेशान होकर घूम रहे हैं। आज सूची देखते हैं, आज विसंगति आ गई, कल डीओ कार्यालय से पता लगा कि आज रुक गई, आज इसका सीआर नहीं आया, 6 महीने से लटकी हुई है। दूसरी एनएसडीएल में जो पेंशन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसी के संबंध में हम लोग को आंशिक पेंशन का फ़ायदा सरकार के द्वारा दिया गया, तो 10% वेतन से कटौती होती है, 14 सरकार मिला देती, दोनों हमारे एनएसडीएल खाते में जाता है पैसा। परंतु आज खाते में यदि हम देखें तो किसी के कर्मचारी खाते में 20 महीने का गोल, किसी का 2 साल का गोल, 4 साल का गोल, 5 साल का गोल, पैसा का कोई पता नहीं है। आज हमको लड़की की शादी करनी है या हमको दवाई इलाज कराना, तो हमारा पैसा हमारे खाते में नहीं, तो भैया इसका खोज खबर हो कि पैसा आखिर गया कहाँ और हमारे खाते में ट्रांसफ़र किया जाए। चौथा, अभी उच्च पद प्रभार प्रक्रिया भी चल रही है, उसमें भी वरिष्ठता सूची अभी राज्य सरकार ने पदोन्नति रोक करके उच्च पद प्रभार प्रक्रिया चालू करी, तो कहीं जूनियर ऊपर तो कहीं सीनियर नीचे, एक विसंगति और आ रही है, कोई ट्रांसफ़र करवा के आ रहे हैं। अरे आपने बरगे जो जहां सुविधा दी है, बरगे का ट्रांसफ़र राज्य स्तर पर होता है, तो ट्रांसफ़र यदि पहले आपने पद समाप्त कर दिया, अध्यापक पद समाप्त कर दिया, राज्य शिक्षा सेवा लागू कर दिया, तो फिर ट्रांसफ़र करा के आगे तो क्यों उनकी वरिष्ठता आप शून्य कर दे जा रहे हैं, आप दूसरे जगह ट्रांसफ़र करा के सुविधा में आ रहा, आपने उनको शून्य कर दिया। वो 20 साल की नौकरी करने के बाद भी बेचारे आज जो
20 साल की उनकी सेवा है और आज जो नियुक्ति हुआ उससे नीचे उनको कर दिए, तो ट्रांसफर का भी बराबर लाभ देते हुए सबको मान्य करते हुए उच्च पद प्रभार में भी वरिष्ठता जो जिस तारीख को ज्वाइन किया है उसके आधार पर लाभ दिया जाए। हम लोगों ने भी कमिश्नर महोदय से मुलाकात करे हैं, पूरी टीम थी और माननीय ने आश्वासन तो दिया है कि हम इस पर अपने संभाग अंतर्गत इसका हल निकालेंगे, अब देखते हैं क्या होता क्या है। सत्येंद्र सिंह तिवारी, पूरा प्रदेश अध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ।